हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी दियाकू। सो गाइस, टुडे इज माय सेकंड डे टू विजिट इन दिस पेडीफिल। सो हम लोग आज मछली पकड़ने जा रहे हैं, तो हम सोचे कि आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ का लोग कैसा मछली पकड़ता है। तो अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बता दूँ, जीरो इज पॉपुलरली नॉन फॉर इट्स पेडीकम पिस्सीकल्चर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत सारा जॉब इंटरव्यू में भी आता है ऐसे जीके, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। Silo alo, so lo du alo, so di la pingu ka ane pata si popiniti mi tinyo tali la sarmi hormi mi kenyo tali la tani dogi si keli keli और गाइस, जीरो के खेती पर कोई पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स नहीं डाला जाता है, सब कुछ नेचुरली उगता है। ये है छोटा सा वाटर कैनल। तो जीरो के लोग ये छोटा सा वाटर कैनल पे ही उनका इरिगेशन के लिए डिपेंड करता है, और ये कैनाल का थ्रू से सभी का खेती पे ये जो पानी जाता है। और गाइस, पानी जो ये जगह से घुसता है अभी इसे बंद करके रहा है, क्योंकि खेती में ऑलरेडी थोड़ा पानी बहुत है और पानी यहाँ से भी घुसता है। तो ये कैनल का सामने में दो तीन तो ऐसा पाइप लगा के रहा है, ताकि पानी जो ये कैनल से अंदर घुसे। साथ ये छोटा सा नाला जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो है मछली का रहने का जगह। तो यहाँ के लोग क्या करता है कि मछली को ये जगह पर ही रखता है, आप देख पा रहा होगा। गाइस, मेरा मम्मी वहाँ पर मछली पकड़ रही है, तो ये वो एरिया है जिसमें बहुत सारा मछली लोग जमा होके रहता है। ये है मछली। सिलो आलो, सो लो दो आलो, सो दिला पेंगू का आने पता सी पोपिनिती tinyo tali la sarmi hormi mi genyo tali la tani dogi si keli keli uku toro myo yu si huli। और ये जो इसलिए बनाया जाता है ताकि दूसरे खेती में मछली नहीं जाने के लिए। तिले रे गो ओपा रेली लिकु ला अनतले सो गंद बुली उकु जिली बुली उकु यासो बुली कु पोली बुली कु गंद गंसु दो यासो यासु दो। तो हम लोग आज के लिए इतना ही मछली पकड़ा है, तो बाकी को कल पकड़ेंगे। तो आप देख सकता है इतना बड़ा हो गया। तो ये मछली लोग को अप्रैल में डाला था, तो अभी जुलाई में इतना बड़ा हो गया। बहुत छोटा छोटा से ही डाला था ये इसको। तो हम लोग यहाँ पर अभी के लिए मछली को रख रहा है। तो बाहर रहेगा तो क्या होगा कि मछली मर जाएगा, और हम लोग अभी घर जाने वाला नहीं है, तो इसलिए ये इसको यहाँ पर रखते रहेगा। यहाँ के पीस क्या करते हैं कि उन लोग जो पेड़ी के रूट्स को खा खा के उन लोग जो जिंदा होता है और ग्रो होता है, और यहाँ के लोकल पीस को उन लोग जो मार्च का मंथ में उन लोग जो डालता है, और जो आसाम लोग से बाहर से आता है उन लोग जो उसको अप्रैल मंथ में डाला जाता है। गाइस, यहाँ के परमर लोग को ये राइस और पीस से बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है। ये एक टाइप का उन लोग के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया, तो ये इससे उन लोग जो फैमिली इस लोग को चलाता है, और अपना बच्चा लोग को उन लोग जो पढ़ाया जाता है,
और जीरो का वुमेन लोग जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है और उन्हें जो दिन रात उन्हें जो खेती का काम में बिजी रहता है, लकड़ी बुकता है और घर में सोल क्या क्या बनाते रहता है, तो उनका कारण से ही आज जीरो इतना सुंदर है। ये सब क्रेडिट उनको ही जाता है। गए उस दिन इतना जोर जोर से बारिश आ रहा था, आज पूरा धूप दे रहा है। आप देख सकता है आज का वेदर बहुत ही ठीक है। ये है चिलीज। उस दिन इतना नहीं था, आज बहुत सारा निकल गया। तो यहाँ पर मेरा मम्मी और भैया तोड़ रहा है। So guys, आज इतना सारा हम लोग चिलीज तोड़ लिया है। अगर ये इसको खरीदता तो बहुत ही पैसा जाता मेरा ख्याल से। यहाँ पर 8 केजी तो होंगे और मार्केट में क्या है कि पर केजी का 100 रुपीज है, तो हम लोग आज 800 रुपीज का चिलीज तोड़ लिया है। गाइस, ये है एशियन चिप जिसको हम लोग तले बोलता है। तो इसको आप प्याज का जैसा भी यूज कर सकता है और इससे मोमो भी बनाता है और पकौड़ा भी बनाया जाता है। और हम लोग आप पता नहीं लोग क्या करते हैं कि इसको पिला का साथ भी इसको खाता है।